अरे शो में आपका स्वागत है। नवीनतम विकास में नेट वेस्ट, जिसे पहले रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता था, वर्षों की उथल पुथल के बाद भी अपने पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहा है। बैंक, जिसे 2008 के वित्तीय संकट के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा जमानत दी गई थी, अभी तक पूर्ण निजी स्वामित्व में वापस नहीं आया है। नेटवेस्ट की मुश्किलें 2007 में शुरू हुई जब उसने 90 अरब डॉलर में एक डच बैंक एबीएन एमरो का अधिग्रहण कर लिया। इस सौदे को व्यापक रूप से एक आपदा के रूप में देखा गया और नेटवेस्ट को अरबों डॉलर का घाटा लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका में सब प्राइम बंधक संकट से भी बैंक को भारी नुकसान हुआ था। 2008 में ब्रिटिश सरकार ने 45 पाउंड बिलियन 68 डॉलर बिलियन के बेलआउट के साथ नेटवेस्ट को बचाने के लिए कदम उठाया। सरकार ने बैंक में बहुमत हिस्सेदारी ले ली और आज वह सबसे बड़ी शेयरधारक बनी हुई है। बेलआउट के बाद से नेटवेस्ट अपनी किस्मत बदलने की कोशिश कर रहा है। बैंक ने कई व्यवसाय बेच दिए हैं और लागत में कटौती की है, हालांकि इसे अभी भी लाभप्रदता पर वापस आना बाकी है। 2023 में नेटवेस्ट ने 2 पाउंड और 10 पेंस बिलियन 2 डॉलर और 70 सेंट बिलियन का नुकसान दर्ज किया। बैंक के मुख्य कार्यकारी एलिसन रोज ने कहा कि यह नुकसान कई कारकों के कारण हुआ है, जिसमें COVID-19 महामारी और यूक्रेन में युद्ध शामिल है। रोज ने कहा कि नेटवेस्ट अपनी टर्नअराउंड योजना में प्रगति कर रहा है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि बैंक को लाभप्रदता में लौटने में समय लगेगा। ब्रिटिश सरकार नेटवेस्ट में अपनी हिस्सेदारी बेचने को उत्सुक है, हालांकि बैंक के खराब वित्तीय प्रदर्शन के कारण खरीदार ढूंढना मुश्किल हो गया है। नेटवेस्ट की स्थिति वित्तीय संकट के स्थायी प्रभाव की याद दिलाती है। एक दशक से अधिक समय के बाद भी कुछ बैंक अभी भी उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।